अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं परफेक्ट कंपनी का डेंजर बीटी 4400। 2-in-1 में वूफर है। इसकी दो इसकी सेटेलाइट्स हैं, बड़ी सेटेलाइट्स हैं, और इनकी सेटेलाइट्स जो हैं वो बार भी बन जाती हैं, सिंगल बार भी बन जाती है। इसकी स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो इसमें USB लगा सकते हैं, ऑक्स का ऑप्शन है इसमें, रेडियो और बीटी ब्लूटूथ पे ये आप चला सकते हैं। और जनाब आज इसको ओपन करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको इसका साउंड टेस्ट कराता हूं मैं। परफेक्ट कंपनी में तकरीबन ये मेरी तीसरी आई थिंक वीडियो है जो मैं लगा रहा हूं। मैं गया हुआ था जनाब वीकेंड पे पहाड़ों पे घूमने के लिए, इसलिए काफ़ी अर्सा हो गया मुझे, तकरीबन 12-13 दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज मैं कल आया हूँ और आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसका साउंड बहुत अच्छा है। जो बड़ी LCDs हैं 30-40-50 इंच की LCDs, उनके साथ आप इसको एज ए बार अगर यूज़ करना चाहें, बार बनाकर इसकी सेटेलाइट्स को, तो बहुत ही प्यारा ये आपको लुक देगा। और जनाब इसकी आ गया, इसकी हम सेटेलाइट की बात कर लें तो जनाब इसकी सेटेलाइट में ये दो डिज़ाइन हैं, ये स्पीकर नहीं है, डिमी स्पीकर का उन्होंने एक शेप दी हुई है, दरमियान में स्पीकर है इसके 3.25 इंच का, ये इसमें स्पीकर है, परफेक्ट का लोगो लगा हुआ है। और इसके अगर मटेरियल की बात कर ली जाए तो इसमें जनाब ये PVC में है, ग्लॉसी में सेटेलाइट है। और जनाब इसके नीचे ये लॉक दिए हुए हैं, दोनों सेटेलाइट्स के नीचे लॉक दिए हुए हैं। आप इसको बार भी बना सकते हैं, मैं बना कर दिखा भी देता हूँ आपको जी। तो ये मैंने अटैच कर दिया है, अब आप जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा ये बार बन गई है। और इसको आप सीधा रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं इसको, और इसके साथ इस तरह से भी रख सकते हैं आप इसको। और अगर आप इसको वॉल के साथ अटैच करना चाहें ऊपर, तो ये वॉल के साथ अटैच भी कर सकते हैं आप इस तरह से। तो जनाब अभी मैं आपको इसके सबवूफर का रिव्यू देने लगा हूँ। इसमें ऊपर इसके ऑक्स का ऑप्शन है, USB लगा सकते हैं। ये सामने इसका LED पैनल है, उसमें ये 4 बटन दिए हुए हैं, बैक फॉरवर्ड और मेन्यू का इनपुट का बटन दिया हुआ है। इसके फ्रंट की बात कर लें तो इसमें 6.5 इंच का सबवूफर है इसका, 6.5 इंच में, और सामने फ्रंट पे जाली लगी हुई है इसके। और जो इसका फ्रंट पे जो है वो PVC लगा हुआ है। और जनाब इसकी जो बैक साइड है इसके ऊपर वुड है। और जनाब इसकी बैक साइड की बात कर लें तो इसकी बैक साइड पे उन्होंने बेस का होल दिया हुआ है, और ये ट्रबल के लिए वॉल्यूम है, और ये बेस के लिए वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है। FM के लिए वायर दी हुई है। ये इसका इसकी SS सीरीज हैं ये। इसमें जनाब मेन्यू कार्ड और जनाब ऑक्स केबल 1x1, FM की वायर, क्लिप हैं इसके, और जनाब ये इसका रिमोट है, और ये इसका वारंटी कार्ड। 1 ईयर की इसकी वारंटी होती है। और इसके जो सेटेलाइट्स हैं उनके स्टैंड भी दिए हुए हैं। अगर आप इसको बार बनाकर यूज़ नहीं करना चाहते तो इसके जो सेटेलाइट्स हैं इसके नीचे यहाँ पर स्टैंड अभी लगा कर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टैंड है इसके सेटेलाइट्स के, ये मैं लगा कर आपको दिखा देता हूँ जी जनाब। तो मैंने इसके जो स्टैंड है नीचे वाले वो लगा लिए हैं, कुछ इस तरह से इसकी शेप है। स्टैंड के साथ भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, और बार में भी लगा कर मैंने आपको चेक करा दी हैं। चलें अब हम इसको ऑक्स पे लगा कर चेक करते हैं।
बॉक्स पे इसकी वॉइस थी, अब मैं आपको ब्लूटूथ पे लगा कर ये चेक कराता हूँ। थी इसकी ब्लूटूथ पे वॉइस, अब मैं आपको ये यूएसबी पे लगा कर चेक कराता हूँ। जी जनाब, तो ये थी इसकी यूएसबी पे वॉइस। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। रिजवान को दें इजाज़त, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।